पूज्य पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन आगमन पर पिहुवा ब्लॉक की सात संगत द्वारा धूमधाम से खुशियां मनाई गई। पिहुवा के नाम चर्चा घर में सात संगत ने देसी घी के दिए जलाकर हलवे का प्रसाद व गाय का दूध पिलाकर सात संगत ने खुशी मनाई। कई जगह लड्डुओं का प्रसाद भी बांटा गया। वहीं इस मौके पर कई राजनीतिक नेताओं ने भी पूज्य गुरु जी के आगमन पर सात संगत को बधाई दी। आज हमारे लिए ये दिन बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा रोल पर हमारे बीच में आए हैं। इसी खुशी में हमने ये नाम चर्चा का आयोजन किया है, ताकि सात संगत को जो पूज्य हजूर पिताजी द्वारा वचन लाइव सुनाए गए, वचन किए गए, तो वो सात संगत के बीच में कैस्ट लगाकर वो सारी सात संगत को सुनाए गए हैं। धन आज का दिन डेरा सच्चा सौदा के जुड़े हुए सात संगत के लिए, जो भी अनुयायी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हों, उसके लिए बड़ा खुशी और हर्ष का दिन है कि जो भारत, जो पूरे भारत वर्ष में नहीं, वर्ल्ड के अंदर जो पूज्य हजूर पिताजी ने मानवता भलाई के जो कार्य चलाए हुए हैं, उसके अंदर एक वैक्यूम, एक ठहराव था, उसको सात संगत उतने जोश और सोच के साथ, मतलब आज भी 134 से लेकर 140 तक के मानव भलाई के जो कार्य सात संगत ने चलाए हुए हैं हजूर पिताजी की रहनुमाई में, तो उनको और बल मिलेगा। आज हर किसी के जो मानवता भलाई के कार्यों में आज सात संगत का जो जोश है, अभी मैं नाम चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई है, इतना जोश सात संगत के अंदर देख रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि अगर समाज के अंदर डेरा सच्चा सौदा का एक अहम स्थान है, और हर गरीब की सेवा, मजलूम की सेवा, चाहे वो खूनदान के रूप में हो, चाहे गरीब को मकान देने के रूप में हो, तो हजूर पिताजी ने जो एक मुहिम चलाई थी, वो उनके आने से उसको और बल मिलेगा। देखिए, आज बहुत बड़ा डेरा सच्चा सौदा के इतिहास के अंदर आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे गद्दी नशीन पूज्य हजूर पिता डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को आज उनको 30 दिन की पैरोल मिली है, और 30 दिन की पैरोल लेकर के वो आज सुनारिया धाम से बाहर आए हैं। पूरी सात संगत के लिए बहुत बड़ा खुशी का विषय है। आज डेरा सच्चा सौदा की सात संगत के लिए दीपावली से बढ़कर के दिन है, और पूरे दुनिया के अंदर जो डेरा सच्चा सौदा की 6 करोड़ सात संगत है, दीपावली की तरह आज का दिन मना रही है, और पूरा महीना पूज्य हजूर पिताजी के आने के उपलक्ष्य में दीपावली की तरह मनाएगी। सात संगत के अंदर बहुत खुशी की लहर है, और सात संगत इस खुशी को 139 मानवता भलाई के कार्य जो पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा बताए गए हैं, उनको करके सात संगत इस खुशी को मनाती है। और मैं आपके माध्यम से पूरी सात संगत से हाथ जोड़ के अपील भी करना चाहता हूँ, आप सभी ने पूज्य गुरु जी के वीडियो के माध्यम से आज दर्शन किए, उनके संदेशों को सुना, पूज्य गुरु जी ने जो हमसे विनती, जो हमसे हमें आदेश दिए हैं, हमने उसका पालन करना है। सारी सात संगत ने, किसी ने भी उन आदेशों के बाहर नहीं जाना है। जैसे डेरा सच्चा सौदा के जो एडम ब्लॉक के सेवादार हैं, आपको बताएंगे, समझाएंगे, आपने उन आदेशों पर ही चलना है। उसी तरह आपने जो पूज्य हजूर पिताजी के सिखाए हुए 139 मानवता भलाई के कार्य हैं, वो करते हुए खुशी मनानी है। और सारी सात संगत में बहुत बड़ा खुशी का माहौल है, दीपावली का दिन है, बहुत बड़ा उत्साह है।